1 फरवरी 2024 को बजट संसद में पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है। बजट को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। बजट की पूरी प्रक्रिया काफी सख्त सुरक्षा घेरे में होती है। कई दिनों तक बजट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर की दुनिया से काट दिया जाता है। इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, सुरक्षा का पूरा तामझाम होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बजट की कोई भी बात लीक ना हो या फिर बाहर ना आ सके। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था कि बजट की जानकारी लीक हो गई थी। साल था 1950 और देश के वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हम सब जानते हैं कि बजट की प्रक्रिया कितनी गोपनीय होती है। हलवा सेरेमनी के बाद बजट प्रिंट होने की प्रक्रिया शुरू होती है। बजट प्रक्रिया की प्रिंटिंग में शामिल सभी अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ मंत्रालय में पैक हो जाते हैं। इस दौरान अधिकारियों को अपने फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है। बजट पेश हो जाने तक वो अपने परिवार से भी नहीं मिलते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था। पहले राष्ट्रपति भवन में बजट की छपाई होती थी, लेकिन 1950 की घटना के बाद प्रिंटिंग प्रक्रिया को मिंटो रोड शिफ्ट किया गया था। साल 1980 से बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में छपने लगा। बजट बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है और इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के अलावा अन्य मंत्रालय भी शामिल होते हैं। आर्थिक मामलों के विभाग का बजट डिवीजन राज्यों, मंत्रालयों, केंद्र शासित प्रदेशों, रक्षा बलों और विभागों से आगामी बजट का अनुमान बताने के लिए कहता है। वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद टैक्स प्रस्ताव पर भी फैसला किया जाता है और प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद बजट प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी 1950 की और उस वित्त मंत्री की जिसके रहते बजट पहली बार लीक हुआ था। जॉन मथाई ने दो बजट पेश किए थे, पहला 1949-50 और फिर 1950-51 के लिए। 1950 में बजट पेश करने के बाद मथाई ने इस्तीफा दे दिया था। उन पर बड़ी शक्तियों के हित साधने के आरोप लगे थे। उनके खिलाफ काफी प्रदर्शन भी हुए थे। भारत में बजट पेश करने की परंपरा आजादी से कहीं पहले की है। पहली बार 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन नाम के स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय बजट पेश किया था। विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉई था। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश हुआ था। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार देश का आम बजट पेश किया है और बजट से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए TV9 भारतवर्ष पर।